जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता की टेंशन बढ़ाई है। मनोहर लाल खट्टर को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का सपना चूर चूर हुआ है। चारों तरफ हड़कंप मची है। तो दोस्तों हरियाणा में लगातार ये नई अपडेट आ रही है कि सीएम खट्टर दुष्यंत चौटाला एक अलग अलग पार्टी के नेता बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर के सीएम खट्टर को काफ़ी ही बड़ा झटका लगा है कि कहीं दुष्यंत चौटाला मेरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में न शामिल हो जाए। और लगातार दुष्यंत चौटाला सीएम खट्टर की बातों से काफ़ी परेशान नजर आए हैं और मीडिया के सामने उन्होंने रूबरू करते हुए कहा है कि सीएम खट्टर के साथ मैं कोई कार्य नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ गठबंधन सरकार बना करके नतीजे देख लिए हैं। और हमारी सरकार अगर पूरी तरीके से बहुमत ही बनी होती तो हम महंगाई भत्ते और बुढ़ापा पेंशन को लेकर के 5,5100 रुपये देने का वादा किया था, उसको भी मैं पूरा वादा करता, लेकिन हमारी गठबंधन सरकार है इसलिए मैं पूरा कोई फैसला नहीं ले सकता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि चलो बुढ़ापा पेंशन में बेशक 250 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हर जगह के मुकाबले हरियाणा सबसे अधिक बुढ़ापा पेंशन दे रहा है। और सीएम खट्टर से दुष्यंत चौटाला लगातार कहते रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन सीधा 5100 रुपये की जाए, लेकिन दुष्यंत चौटाला की बात सीएम खट्टर ने नहीं मानी है। सीएम खट्टर की बात को इनकार करते हुए कहा केवल पेंशन में 250 की बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहें, धन्यवाद।